तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस पोर्ट्रेट का मैं दो चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। आई होप कि आपने वो दोनों वीडियो देख लिया होगा, उसके बाद आप इसको देख रहे हो। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देख लो। एक में मैंने आउटलाइनिंग बताई है अच्छे तरीके से, और सेकेंड में मैंने फेस सेटिंग बताई है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और यार, थोड़ा सा नॉइज़ है, पास में ही फंक्शन चल रहा है। मैं वेट कर रहा था कि ये साउंड कम हो जाए तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, बट थोड़ा सा झेल लेना इस वीडियो में। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं प्रोसेस की ओर। यहाँ पे आप देखोगे जो हेयर वाला एरिया है वो एक्सट्रीम डार्क एरिया है, और पीछे जो बैकग्राउंड भी है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क है। तो यहाँ पे मैं चारकोल यूज़ करूँगा दोनों एरिया के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चारकोल पाउडर, जो लोकल मार्केट से मैंने परचेस करी है। आप कोई भी चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैं चारकोल पेंसिल्स यूज़ करूँगा, कैमलिन का है मेरे पास। तीनों मैं यूज़ करूँगा, सॉफ्ट, नॉर्मल और हार्ड जो भी आता है, तीनों मैं यूज़ करूँगा जहाँ पे मुझे जिस तरीके की ज़रूरत होगी। उसके बाद हाईलाइट के लिए मैं मोनोजीरो इरेजर, अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो नीडेड इरेजर भी मैं यूज़ कर लूँगा। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ। मुझे एक चाहिए सॉफ्ट ब्रश और एक पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा। यहाँ पे मैं दूंगा बेस लेयर, और यहाँ पे वैसे बेस लेयर के जगह पे मैं डायरेक्ट अगर चारकोल स्टिक अप्लाई करता तो भी पूरा एरिया डार्क हो जाता। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले तो इस तरीके से यूज़ करना, पहले पेपर ले लो छोटा सा, जो एक्स्ट्रा चारकोल होते हैं ब्रश में उसको पहले ठीक कर लो, उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब बेस लेयर मैं क्यों दे रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेस लेयर देने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट चारकोल स्टिक अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमें एक एक्सट्रीम डार्क एरिया मिल जाता। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता कि कैमरे में वो तो नहीं दिखता। कैमरे में तो एक्सट्रीम डार्क, अगर मैं फ़ोटो भी लेता हूँ तो वो प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर आप सामने से देखोगे ना तो पैचेस आपको दिखेंगे अगर आप डायरेक्ट चारकोल स्टिक अप्लाई करते हो। तो बेस लेयर देने के बाद क्या होता है कि पूरा एरिया जो है वो चारकोल से कवर हो जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टिक यूज़ करते हैं, चारकोल स्टिक से मैं अगर आगे एरिया को डार्क करूँगा तो वो होगा क्या कि अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बेस लेयर दे देना है, बड़े इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़े थोड़े चारकोल लो और यहाँ पे अप्लाई करो, बिल्कुल हल्की सी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई करो कि जो हेयर के लाइंस है उसी तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करो। तो बेस लेयर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यार, बेस लेयर में हमारा मेन मोटिव यही था कि हम पूरा एरिया को चारकोल के एक लेयर से एड मतलब कवर कर दें। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा चारकोल स्टिक, मेरे पास छोटा सा चारकोल स्टिक बचा हुआ है, और इसको भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस किया था। आप इजीली परचेस कर सकते हो कोई लोकल स्टेशनरी, या फिर अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो बहुत ही सस्ते में आपको ये मिल जाता है, और बहुत ही छोटा सा अमाउंट चाहिए पूरा एरिया को डार्क करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। और चारकोल में क्या सीन होता है यार कि डार्क एरियाज बहुत ईजिली ऑप्ट हो जाते हैं, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जितना मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ ग्रेफाइट में, क्योंकि ग्रेफाइट को मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता हूँ, चाहे वो डार्क एरिया हो लाइट एरिया हो, बट थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ चारकोल को। अभी फ़िलहाल मैं रिसेंटली मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है चारकोल को, बट इसके पहले मैं चारकोल बहुत ही कम यूज़ करता था। तो डिपेंड करता है कैसा, अगर यहाँ पे मैं चारकोल के अलावा अगर मैं ग्रेफाइट भी यूज़ करता तो एरिया कंप्लीट डार्क हो जाता, बट वही है कि वो साइन करता है या साइन नहीं करता है। और मैं बता दूँ जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ आटो का, ये बहुत ही ईजिली डार्क वैल्यू को ऑप्ट कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेफाइट भी यूज़ करता ना तो बहुत ही ईजिली डार्क वैल्यू ऑप्ट हो जाता, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये बहुत ही, क्योंकि टेक्सचर सरफेस है तो बहुत ही जल्दी डार्क एरिया हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 4B और 6B यूज़ करता ना तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता। फिलहाल हम यहाँ पे शेडिंग पे ध्यान देंगे। तो इस तरीके से मैं पूरा अप्लाई कर दूंगा जहाँ पे मुझे जो एरिया मुझे कवर करना है डार्क, इस तरीके से। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है क्योंकि जो एरिया जहाँ पे आपको चारकोल नहीं डालना है, जो लाइट एरिया है उसके आसपास थोड़ा सा गैप रखो, ताकि अब जब आप ब्लेंड करोगे ना तो वो कवर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो एरिया कवर हो गया तो उसको अच्छे तरीके से आप इरेज नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगा, और ये चीज़ आप एक बार करके देखना। अगर आप बेस लेयर देने के बाद स्टिक अप्लाई करते हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके का रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और अगर आप डायरेक्ट स्टिक अप्लाई करते हो उसके बाद ब्लेंड करते हो
तो बेस लेयर देने के बाद आप वो करके देखना, आपको क्लियर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होता है ये बेस लेयर देने के बाद। तो इस तरीके से मैं सॉफ्ट ब्रश ही है मेरे पास, इसको मैं ब्लेंड कर लूँगा। ओके, तो पूरा एरिया ब्लेंड करने के बाद ना, जो चार जो स्टिक हमने अप्लाई किया था उससे जो पाउडर बच गया था यहाँ पे, ब्लेंड करने के बाद इकट्ठा हमने कर लिया, और इसी को मैं यूज़ कर लूँगा बैकग्राउंड को शेड करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड से शेडिंग तो कर दिया, बट इतनी ज़्यादा स्मूथनेस हमें अचीव नहीं हो पाती है, और मुझे बैकग्राउंड में स्मूथनेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं कॉटन यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि कॉटन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, तो आप यहाँ पे कॉटन यूज़ कर लेना। और इस तरीके से थोड़ा सा आपको प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, और थोड़ा बार बार यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको थोड़ा, क्योंकि ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट रिजल्ट देता है, चारकोल थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे, तो आपको बार बार यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा चारकोल लेके आप इस तरीके से इसको स्मूथ बनाने की कोशिश कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा मुझे और डार्क चाहिए रहेगा, तो एक दो लेयर और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा और डार्क है, तो और डार्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं स्टिक यूज़ नहीं करूँगा, स्टिक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ऐसे छोटे एरिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है वो। तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करूँगा, क्योंकि सॉफ्ट सबसे ज़्यादा डार्क होता है और अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाता है। तो पहले मैंने थोड़ा सा नॉर्मल से एक लाइन खींच दिया, उसके बाद बाकी पोर्शन को मैं सॉफ्ट पेंसिल से यूज़ करूँगा, और उसके बाद कॉटन से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगा। तो जिस तरीके का मुझे टेक्सचर चाहिए बैकग्राउंड में, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक दो लेयर में नहीं हुआ, दो तीन और लेयर ऐड करो, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा लेयर ऐड करोगे, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे किसी भी चीज़ में, आपको धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे फिनिशिंग ऐड करना है, और फिनिशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा हार्ड पेंसिल। अब यहाँ पे बहुत लोग का कन्फ्यूज़न ये होता है कि किस जगह पे कौन सी वाली पेंसिल यूज़ करनी है, कहाँ पे नॉर्मल यूज़ करनी है, कहाँ पे सॉफ्ट यूज़ करनी है, और कहाँ पे हार्ड यूज़ करनी है। तो देखो, इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। देखो, अगर मैं ग्रेफाइट पेंसिल की बात करूँ, तो ग्रेफाइट का HB आप मान के चल लो कि वो हार्ड पेंसिल है चारकोल में, ठीक है? जो हार्ड वाली पेंसिल है वो HB के बराबर है। उसके बाद जो नॉर्मल वाली है वो 4B या 2B के बराबर है, और जो सॉफ्ट वाली पेंसिल है चारकोल वाली, वो मान के चल लो जो हाई ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं 8B 6B इस तरीके से। तो जहाँ पे मुझे छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करने हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैं हार्ड पेंसिल यूज़ करूँगा, और जहाँ पे मुझे थोड़े बहुत शेडिंग ऐड करनी है, डार्कनेस ठीक ठाक चाहिए, वहाँ पे मैं नॉर्मल यूज़ कर लूँगा। और जहाँ पे मुझे एक्सट्रीम डार्क चाहिए छोटे एरिया में, जहाँ पे मैं स्टिक यूज़ नहीं कर सकता, तो वहाँ पे मैं सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस, अब बारी है हाईलाइट ऐड करने की, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और क्योंकि हाईलाइट ऐड करने के बाद ही जो आपके हेयर है वो रियलिस्टिक दिखेगा, क्योंकि अभी तो कंप्लीट हमने बस डार्क कर दिया है। अब जो हाईलाइट वाले एरियाज़ हैं उसको अच्छे तरीके से आप ऑब्ज़र्व करो, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है चारकोल पर हाईलाइट ऐड करना, क्योंकि अगर मैं ग्रेफाइट से इतना ज़्यादा डार्क करता एरिया को,
तो मुझे बहुत सारे लेयर ऐड करने पड़ते हैं, इवन मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, उसकी वजह से वहाँ पे हाईलाइट देना बहुत मुश्किल हो जाता। बट चारकोल में ऐसा सीन नहीं है, चारकोल बहुत ही ईजिली यहाँ पे हाईलाइट ऐड हो जाता है। आप एक दो बार अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट ऐड हो जाता है, बस आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन सा एरिया पे किस तरीके का हाईलाइट है। आपके पास मोनो जीरो इरेजर है, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ईयर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ करूँगा जिस तरीके का मुझे सेटिंग चाहिए। पहले तो मैं बेस लेयर के लिए HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल, और मैकेनिकल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इजी टू यूज़ होता है। छोटे जो जितना ज़्यादा छोटा एरिया होता है वहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल पेंसिल्स को भी यूज़ कर सकते थे, अगर नॉर्मल पेंसिल HB है आपके पास उसको अच्छे तरीके से शार्प करो, आपका काम सेम होगा, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे मैं बेस लेयर दे दूँगा, उसके बाद और भी शेड्स जिस तरीके का शेड हमें चाहिए उस तरीके से ऐड कर देंगे। तो गाइस ये वाला एरिया को सेट करने के लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। अब जो मैंने चारकोल को ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज़ किया था वो हल्का सा सॉफ्ट था, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये हल्का सा उससे हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो मीडियम सा है मेकअप ब्रश। अब नॉर्मल जो मेकअप ब्रश होता है उसको आप परचेस कर लो, बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। और यहाँ पर रेफरेंस को मैं हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके का शेडिंग है वहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगा। बेस लेयर में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, अच्छे तरीके से आपको देखना है कौन सा एरिया कहाँ, कौन से एरिया में आपको शेडिंग कम करनी है, लाइट करनी है, कहाँ पे डार्क करनी है। जहाँ पे डार्क करनी है वहाँ पे ब्रश को मैं ज़्यादा बार अप्लाई करूँगा, और जहाँ पर मुझे लाइट शेडिंग चाहिए वहाँ पर मैं एक दो बार या फिर लाइट प्रेशर से अप्लाई कर दूँगा। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे, और अगर आपने ब्रश को अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख लिया है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पे जो क्लोथ वाला एरिया है इसको मैं सेड करूँगा ग्रेफाइट पेंसिल से। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल स्टेडलर की, आपके पास जो पेंसिल है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बहुत ही लाइट प्रेशर से यहाँ पे शेड करो ताकि अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें इसको ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से, और प्रेशर हमने कम ज़्यादा कर दिया तो वो अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा नहीं। तो प्रेशर यहाँ पे आपको कंट्रोल्ड और बहुत ही लाइट रखना है ताकि हम जो भी शेड कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो सके। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और कहीं अगर डाउट्स रह गए हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना, कुछ दिन में मैं पूरा का पूरा जो पोर्ट्रेट है उसका रियल टाइम वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो बाकी डाउट्स वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।